संसद सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने दिल्ली में पिछले दिनों हुई हिंसा के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इसी दौरान हंगामों के बीच संसद में भाजपा कांग्रेस महिला सांसदों ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए। कांग्रेस सांसद राम्या हरिदास ने बीजेपी सदस्य जसकौर मीणा पर अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया। दैट इज नॉट गुड, दिस इज पार्लियामेंट मेंबर्स बीजेपी और कांग्रेस और अदर पार्टी ऑल एमपीस आर इनसाइड द पार्लियामेंट इज ऑल आर राइट इज इक्वल। So, did you recognize who was the BJP's MP who assaulted you? It's a female MP? The all BJP MPs are side in well side. She came and said the one lady member assaulted my son. Did you lodge your complaint? Yeah, I'm already submitted the complaint. वहीं स्मृति ईरानी ने राम्या हरिदास के आरोपों का कैसे जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। के नाम से जानी जाती हैं और उनकी वरिष्ठता के साथ साथ एक सीनियर नेता के साथ इस प्रकार का गुंडा बर्ताव कांग्रेस ने जो आज जो किया है उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। मुझे लगता है राहुल गांधी के नेतृत्व में केरला की इस एमपी का इस प्रकार से बदलाव उनके गुंडा एलिमेंट और गुंडा लीडरशिप का एक प्रतीक बन चुका है। तो वहीं बीजेपी की महिला सांसदों ने इन आरोपों से साफ इनकार किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस घटना की शिकायत भी की। वो गोगोई हमारे व्हिप के सामने आ गए हैं, उसी समय वो हमारे पुरुष लोगों को धक्का मार रही थी, इसीलिए हमको हमने उसको रोका एंड नहीं छोड़ा। और ये घटना तीसरी बार हुई है, देखिए सबसे पहले स्मृति जी के साथ हुई, फिर हर्षवर्धन जी के साथ हुई और ये तीसरी बार ये जब घटना हो रही है रमा दीदी के साथ। और बात ये है कि आपको पूरा अधिकार है हाउस में आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन एक मर्यादा होती है। आप ट्रेजरी बेंच की तरफ आके क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं या स्पीकर के शक्ल के सामने बैनर रखना, ये तो मैं भी चौथी दम सांसद हूँ, मैंने जिंदगी में ये नहीं देखा। पहले उन्होंने हमारे एससी मेल एमपीज को अटैक किया, ये दो महिलाओं ने, और उसके बाद जसकौर जी और इनको अटैक करने लगे। इन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला आपको प्रोटेस्ट करना है अपने अपोजिशन के जो एरिया है वहाँ करिए,